हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, नाउंस के बाद हमने नंबर्स सिंगुलर और प्लूरल पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जेंडर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जेंडर एंड देयर टाइप्स। जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, और जेंडर इज अ टर्म यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल नाउंस। अर्थात जेंडर क्या होता है बच्चों, हिंदी में हम उसको लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मतलब जो जेंडर है हमको बताता है, अंतर बताता है मेल एंड फीमेल नाउंस के बारे में। इनके टाइप्स क्या होते हैं बच्चों, जेंडर चार प्रकार के होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। हम पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर को बच्चों हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग। इसका डेफिनेशन है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल क्रिएचर इज सेड टू बी ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। मतलब ऐसी संज्ञा जिससे हमको मेल क्रिएचर या पुल्लिंग के बारे में पता चलता है उसको हम मस्कुलाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, रोहन बॉय, ब्रदर मैन, किसी भी नाम हम ले सकते हैं, अनिल विजय, ये सब क्या कहलाते हैं, मस्कुलाइन जेंडर। अगला है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में स्त्रीलिंग बोलते हैं। अ नाउन दैट denotes a creature is said to be of feminine gender। मतलब ऐसी संज्ञा जो हमको स्त्री लिंग के बारे में बताती, स्त्रियों के बारे में बताती है, उसको हम feminine gender बोलते हैं। जैसे किसी लड़की का नाम, फीमेल का नाम, नीता, सीता, गीता, गर्ल, सिस्टर, काउ, ये सब क्या है, स्त्री लिंग है, इनको हम feminine gender बोलते हैं। इनके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं दोनों के, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के। जैसे बॉय, बॉय का अपोजिट जेंडर या फेमिनाइन जेंडर होगा गर्ल। फादर, फादर इज अ मस्कुलाइन जेंडर, इसका अपोजिट जेंडर होगा मदर। बुल, यानी बुल बैल को बोलते हैं, बुल का अपोजिट जेंडर या फेमिनाइन जेंडर होगा काउ। मैन, मैन का अपोजिट जेंडर या फेमिनाइन जेंडर होगा वुमेन। अब अगला जेंडर है कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब उभयलिंगी। A noun that denotes both male or female is said to be of common gender। जैसे टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट, ये क्या होते हैं बच्चों, हम माता पिता की बात करते हैं, शिक्षक की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो हम टीचर बोलते हैं। टीचर से नहीं पता चलता, हम ऐसा नहीं बोलेंगे मेल टीचर ने पढ़ाया कि फीमेल टीचर ने, हम जब भी बात करेंगे तो टीचर बोलते हैं। ऐसे स्टूडेंट, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सब छात्र या विद्यार्थी कहलाते हैं। माता पिता एक साथ पेरेंट्स कहलाते हैं। तो ये होते हैं कॉमन जेंडर। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग व्हिच इज नाइदर अ मेल और फीमेल इज सेड टू बी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। मतलब इसको हिंदी में नपुंसकलिंग बोलते हैं। मतलब ऐसा जो मेल होता है ना फीमेल होता है उसको हम न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं। जो इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, हमारी जितनी भी मटेरियल नाउन्स हैं, जैसे बुक, पेन, ऑयल, ये सब न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, स्वीटनेस, ये सब भी हमारे न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। कलेक्टिव नाउन्स, क्राउड, बंच, फ्लॉक, जैसे भीड़ का समूह क्राउड कहलाता है, गुच्छा बंच कहलाता है, भेड़ों का समूह फ्लॉक, तो ये सारी चीजें जो कलेक्टिव नाउन्स है ये भी न्यूट्रल जेंडर में आती हैं। इंसेक्ट्स हैं जो लोअर क्रिएचर होते हैं, जैसे आंट, क्रो, बेबी, मतलब इनका मेल एंड फीमेल अलग अलग क्रिएचर नहीं होता। जब भी कहीं लिखा है आंट तो आप जान जाएंगे वो न्यूट्रल जेंडर है। इनके आप एग्जाम्पल्स चित्रों के माध्यम से भी देख लीजिए, जैसे लव, ट्रूथ, ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टॉय, चेयर, ये हमारे टॉय से जो खिलौने, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब किस में आते हैं बच्चों, न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। अब न्यूट्रल जेंडर से जो रिलेटेड नोट्स हैं उसको भी आप पढ़ लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं हमेशा न्यूट्रल जेंडर में ही होती हैं, लेकिन कभी कभी हम कुछ नॉन लिविंग थिंग्स का उपयोग ऐसे करते हैं जैसे कि उनमें जान हो, ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को मस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर में माना जाता है। जैसे सन, विंड, डेथ, समर, विंटर, टाइम, ओशियन। सन क्या है, बहुत बड़ा उसमें पावर होता है ना, हवा में बहुत पावर होता है, ये यूनिक चीजें होती हैं। मृत्यु अमर सत्य है, तो इस तरीके की चीजें हम ऐसा इनका इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स ना हो, मतलब उनमें जान जैसी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये या तो मस्कुलाइन होती है या फेमिनाइन जेंडर में कहलाती है। हम ऐसे जेंडर को न्यूट्रल जेंडर नहीं बोल सकते। कुछ और देख लीजिए, सौंदर्य है, नम्रता है, कमजोरी, फर्टिलिटी, उपजाऊपन आदि सूचक संज्ञा शब्द हैं फेमिनाइन जेंडर माने जाते हैं, है ना। अर्थ, कंट्री, ट्रेन, लिबर्टी, वर्च्यू, क्लैरिटी,
होप, मून, सिप, जस्टिस, ऑटम, पीस, मर्सी, ये सारे शब्द हैं जो बच्चों ये हमारे उसमें फेमिनाइन जेंडर में आते हैं, इनको हम आदर सूचक संज्ञा शब्द भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन या तो मस्कुलाइन जेंडर होती हैं या फेमिनाइन जेंडर होती हैं। मटेरियल नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये मैंने आपको बताया है कि ये न्यूट्रल जेंडर में आते हैं यदि हम उन्हें पर्सनिफाइड ना करें हो तब। मस्कुलाइन जेंडर को बच्चों और फेमिनाइन जेंडर में हम कैसे बदलेंगे उसके बारे में रूल्स हम पढ़ लेते हैं। अलग अलग शब्दों का उपयोग करके हम जेंडर चेंज करते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन या फेमिनाइन से मस्कुलाइन बनाते हैं। जैसे बॉय को गर्ल में, ब्रदर सिस्टर, ये एकदम अलग शब्द है ना, इसमें हम कुछ ऐड नहीं किए। बुल का होता है काउ, डॉग का अर्थ होता है डॉग का अपोजिट जेंडर है बिच, किंग का क्वीन, मैन का वोमेन, ये सारे मीनिंग्स आप अच्छे से जानते हैं बच्चों, इनको डिटेल करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे संज्ञाएं होती हैं जिनमें हमको कुछ शब्द जोड़ने पड़ते हैं, सिलेबल है ना, जैसे ई डबल एस वाक्य शब्दांश हम इनको बोलते हैं, अंत में हम इनको जोड़ के जेंडर चेंज करते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाते हैं। जैसे गॉड, गॉड का अर्थ होता देवता, तो हम इससे देवी बनाएंगे गॉडेस, तो हम ई डबल एस लगाएंगे। लॉयन का लॉयनेस, पोएट का पोएटेस, प्रिस्ट यानी पुजारी होता है प्रिस्टेस, इस सब में हम ई डबल एस लगा दिए, हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन कुछ और एग्जाम्पल देखिए, ई डबल एस लगाए हैं लेकिन जो आखिरी इनका स्वर है वॉवेल है ई, है ना, इसको हम चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं उसका, हटा के उसको ई डबल एस लगाते हैं। जैसे टाइगर से टाइग्रेस बना है, तो स्पेलिंग है टाइगर की टी आई जी ई आर, तो हम इससे ई हटा दिए हैं और स्पेलिंग जो बना जेंडर चेंज होने के बाद टी आई जी आर ई डबल एस, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, ई बावेल हटाया गया है। ऐसे ही हंटर से बना हंट्रेस, तो एच यू एन टी जो ई था उसको हटा के हमने एच यू एन टी आर ई डबल एस किया है। ऐसे ही एक्टर से एक्ट्रेस, इसमें भी हमने ओ बावेल को हटाया है और हम इस तरीके से ई डबल एस एड करके अपोजिट जेंडर बनाए हैं। अब है अगला रूल, नाउन में पूरा एक पूरा का पूरा शब्द जोड़ देते हैं, शब्द जोड़ के जब हम फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं, तो ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। बुल एलिफेंट को काउ एलिफेंट, है ना, ही गोट सी गोट, जैक एस जेनी एस, पीकॉक का पी हेन, वॉशरमैन का वॉशर वोमैन, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी। तो आप देखिए इसमें एकदम पूरा का पूरा नया शब्द जुड़ा है, बुल का जो फेमिनाइन जेंडर होता है काउ, है ना, ही का सी कर दिए, जैक एस का जेनी, जैक का जेनी हो गया, पी कॉक, कॉक को हटा के पी हैन कर दिए। अब ये वॉशर मैन है बच्चों, वॉशर मैन नहीं है ना, वॉशर मैन है, तो यहाँ पे जब आप वोमेन ही लिखेंगे, मैन रहेगा तो वोमेन, एक ही जगह ई आएगा तो वहां पे भी फेमिनाइन जेंडर में डब्ल्यू ओ एम ई एन लगाएंगे। ऐसे लैंड लॉर्ड, लॉर्ड शब्द का लेडी कर दिए, तो पूरा का पूरा इसमें नया हम शब्द जोड़कर बनाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, इसमें कुछ नए एग्जाम्पल्स होंगे तो इसको आप सुन लीजिए। बॉय का होता है गर्ल, ब्रदर का होता है सिस्टर, डॉटर का सन, फादर का मदर, हस्बैंड का वाइफ, अंकल का आंट, मैन का वोमैन, किंग का क्वीन, सर का मैडम, विजार्ड का विच। विजार्ड क्या होता है बच्चों, विजार्ड जादूगर को बोलते हैं ना, जादूगरनी। एक्टर एक्ट्रेस, बुल बैल होता है, काउ यानी गाय, कॉक मुर्गा, हेन मुर्गी, डॉग बिच, होस्ट होस्टेस, होस्ट मतलब क्या होता है, होस्ट मतलब मेजबान, है ना, नेफ्यू यानी भतीजा, नीस यानी भतीजी, लॉयन लॉयनेस, पीकॉक पीहेन, टाइगर मतलब बाघ, टाइग्रेस बाघिन, गॉड यानी भगवान देवता, गॉडेस यानी देवी। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, हॉर्स का मेयर, घोड़ा का मतलब घोड़ी, ऑक्स काउ, फॉक्स का विक्सेन, फॉक्स यानी लोमड़ी होता है, हीरो हीरोइन, मेल फीमेल, पापा का मम्मा, लैड लैड का होता है बच्चों लॉस, लैड मतलब क्या होता है, लड़का या युवा को हम लैस बोलते हैं, लैड बोलते हैं, है ना, और युवती को लास। ही सी स्टैग हिंड, स्टैग किसको बोलते हैं बच्चों, मेल हिरण, है ना, जो हिरण होता है मेल, उसका जो होता है हिंड मतलब मादा हिरणी, नर हिरण को स्टैग बोलते हैं। लॉर्ड लेडी, लॉर्ड मतलब सभ्य पुरुष को लॉर्ड बोलते हैं और सभ्य महिला को लेडी। पोएट कवि को पोएट, पोएटेस यानी कवित्री, ऑथर ऑथरेस, ऑथर मतलब लेखक, ऑथरेस मतलब लेखिका, ई डबल एस लग के बना है। मिस्टर अ मिस्ट्रेस मतलब मिस्टर यानी श्रीमान, मिस्ट्रेस यानी श्रीमती। प्रिंस
प्रिंसेस, प्रिंस मतलब राजकुमार, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, मॉन्क नन, मॉन्क किसको बोलते हैं बच्चों, मुनि वैरागी साधु को ना, नन साध्वी को, हंटर हंट्रेस, हंटर यानी शिकारी और उसका शिकारिनी, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक, लैंडलेडी मतलब मकान मालकिन, मिल्कमैन दूध वाला, मिल्कमेड दूध वाली, वेटर वेट्रेस होटल में जो बैरा होते हैं ना उनको वेटर बोलते हैं, ड्रोन बी, ड्रोन मतलब मक्खा और ब्री यानी मक्खी। अगले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों, हम चित्रों के माध्यम से भी इसमें बताया जा रहा है। बुल दिख रहा है चित्र में ना, बैल, काउ, कॉक, हैन, डॉग, बिच, ड्रेक, ड्रेक का होता है बच्चों डक, ड्रेक मतलब मेल जो बतख होता है नर बतख उसको ड्रेक बोलते हैं, बतकी डक, कॉक स्पैरो, हैन स्पैरो, लॉयन लॉयनेस, स्टैग हिंड वही मेल जो नर हिरण होता है, स्टैग हिंड मतलब मादा हिरण, पीकॉक पी हैन, टॉम क्वीन, जो टॉम होता है घरेलू बिल्ली उसका क्वीन, टाइगर टाइग्रेस, स्टेलियन मेयर, स्टेलियन किसको बोलते हैं बच्चों, घोड़ा को, और मेयर घोड़ी, हॉर्स का भी मेयर है ना स्टेलियन, ये सिनोम्स होते हैं समानार्थी, रैम का ईव, रैम किसको बोलते हैं बच्चों, भेड़ा है ना जो भेड़ का भेड़ा कहलाता है, ईव भेड़ी, बोर और सो, मेल पिक को बोर और फीमेल पिक को सो बोलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ भी इनको बोलते हैं, दादा दादी, फादर मदर, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, अंकल आंट, मैन वोमेन, किंग क्वीन, हंटर हंट्रेस, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट मतलब जो नौकर होते हैं ना मेल जो होता है उसको मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट महिला नौकरानी को, प्रीस्ट प्रीस्टेस, प्रीस्ट किसको बोलते हैं बच्चों, प्रीस्ट मतलब होता है पादरी या जो भगवान पर विश्वास करता है, सेफर्ड और सेफर्डेस मतलब, सेफर्ड मतलब क्या होता है जो चरवाहा टाइप का रहते हैं, गड़रिया गड़रिया को बोलते हैं ना, सॉन्गस्टर गीतकार को बोलते हैं, मास्टर मिस्ट्रेस, मास्टर जो अपने उसमें फील्ड में चैंपियन होता है उसको मास्टर बोलते हैं, मेल क्रिएचर है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सर मैडम, विजार्ड जादूगर है ना, विच, प्रोफेट प्रोफेट बेटा पैगंबर को बोलते हैं उसका प्रोफेटेस, पैटर्न पैटर्न किसको बोलते हैं और इसका पैट्रोनिस, संरक्षक मतलब जब कोई बच्चा छोटा रहता है उसका केयर टेकर बना देते हैं ना उसको बोलते हैं, होस्ट होस्टेस मेजबान को होस्ट बोलते हैं, स्टेवार्ड और स्टेवार्डेस, स्टेवार्ड विमान जो जो रहते हैं जलयान इनमें जो परिचारक रहते हैं देखभाल करने के लिए कुछ भी सर्व करने के लिए उनको बोलते हैं, हेयर हेयरेस, हेयर मतलब वारिस उत्तराधिकारी को बोलते हैं, नेफ्यू नीस, इंचेंटर इंचेंटर ये भी जादूगर जैसे होते हैं, इंचेंट्रेस मतलब जादूगरनी, लैंडलॉर्ड लैंडलेडी, मिल्कमैन मिल्कमेड, एक्टर एक्ट्रेस, एबॉट का एबेस, एबॉट जो होता है बच्चों महंत को बोलते हैं ना, किसी भी जो मठ होते हैं उनका जो मुख्य मेल अगर धर्माधिकारी होता है उसको महंत को एबॉट बोलते हैं, एम्परर एम्प्रेस, एम्परर मतलब महाराजा राजा होता शासक और शासिका एम्प्रेस। चलिए बच्चों अब हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्लासेस एक्सरसाइजेस है ना, तो अपोजिट जेंडर ऑफ द गिवेन नाउन, इन नाउन्स के हमको जो आएंगे आपके स्क्रीन पे उनका अपोजिट जेंडर पता करना है। पहला प्रिंस, प्रिंस का अपोजिट जेंडर क्या होता है बच्चों, प्रिंसेस, सर सर का मैडम, अंकल अंकल का आंट, मेयर मेयर का स्टेलियन है ना हॉर्स भी हो सकता है, बुल बुल का काउ, वाइफ का हस्बैंड, टाइगर का टाइग्रेस, नेफ्यू का नीस, पीहेन का पीकॉक, सन डॉटर, ये कुछ एक्सरसाइजेस। अब हम कुछ सेंटेंस के थ्रू इनकी एक्सरसाइज करते हैं, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन नाउन्स एंड रीराइट द सेंटेंस, मतलब हमको जो अंडरलाइन नाउन्स है उनके जेंडर चेंज करना है और सेंटेंस को फिर से लिखना है। जैसे माई ब्रदर इज फीडिंग द काउ, इसमें ब्रदर और काउ इनका अपोजिट जेंडर लिखना है, तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर, माई सिस्टर इज फीडिंग द बुल, ब्रदर का हो गया सिस्टर और काउ का हो जाएगा बुल।
अगला सेंटेंस देखते हैं, द बॉय इज ड्रेस्ड अप एज किंग। इसमें बॉय और किंग इनके हमको अपोजिट जेंडर लिखना है, तो जाएगा द गर्ल इज ड्रेस्ड अप एज क्वीन। थर्ड सेंटेंस, द एक्ट्रेस वॉज सराउंडेड बाय वोमेन। एक्ट्रेस और वोमेन का हमको चेंज करना है जेंडर, तो एक्टर वॉज सराउंडेड बाय मेन। यहाँ पे देखिए बच्चों, वोमेन है ना, तो मेन आएगा, अगर वो मैन होता तो मैन आता, ई दोनों जगह है, प्लूरल फॉर्म में है। देयर आर मैनी स्टेलियंस ऑन द फॉर्म, इसका स्टेलियंस का चेंज करेंगे तो देयर आर मैनी मेयर्स ऑन द फॉर्म। यहाँ पे स्टेलियंस प्लूरल फॉर्म में है तो इसका अपोजिट जेंडर मेयर्स भी प्लूरल फॉर्म में होगा। अगला सेंटेंस है, द गूज एंड द डो वेयर गुड फ्रेंड्स। गूज का हमको अपोजिट जेंडर और डो का अपोजिट जेंडर बनाना है, तो इसका आंसर होगा द गैंडर एंड द बक वेयर गुड फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, द टेलर फॉरगॉट टू स्टिच माई ग्रैंड फादर्स क्लॉथ्स। तो यहाँ पे हमको ग्रैंड फादर्स का चेंज करना है जेंडर, तो द टेलर फॉरगॉट टू स्टिच माई ग्रैंड मदर्स क्लॉथ्स। इस तरह बच्चों हमारी पूरी क्लास एक्सरसाइजेस खत्म हो गई है। उम्मीद है बच्चों आज की क्लास आप लोग को पसंद आई होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बाय बाय।